नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिमी विक्षोभ ने पूरे उत्तर भारत के मौसम का हाल बेहाल कर रखा है। दिल्ली में सुबह देर शाम और रात की ठंडक बनी हुई है। बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान गिलगित, बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है। वहीं उत्तरी ओडिशा में छिटपुट बारिश हुई है। वहीं गंगेय, पश्चिम बंगाल और दक्षिण केरल में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश हुई है। आज के मौसम की अगर बात की जाए तो गिलगित, बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जाहिर है कि पहाड़ों में बर्फबारी होगी या फिर तेज हवाएं चलेंगी तो उसका असर दिल्ली तक पड़ेगा और उत्तरी ओडिशा में छिटपुट बारिश संभव है। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है, और जबकि न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम है। मौसम विभाग के मुताबिक बादलों की आंख मिचोली बनी रहेगी। वहीं 12 मार्च तक दिन में बादल छाने व 13 मार्च को बारिश के आसार हैं। वहीं आज के तापमान की अगर बात की जाए तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रह सकता है। शनिवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा से दूसरी ओर चलेगी। वहीं दिल्ली में आज सुबह AQI 171 रहा। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को गंगेय, पश्चिम बंगाल और दक्षिण केरल में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 10 मार्च से पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी बढ़ जाएगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में रविवार शाम से ताजा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो सकता है और इससे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिचौरागढ़ और बागेश्वर में बर्फबारी हो सकती है। रविवार को ताजा पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आने की संभावना भी जताई गई है और इन सभी जिलों में बारिश की संभावना बताई गई है।